हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? HSSC PGT स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बारे में। एज़ वी ऑल नो कि हमारा PGT स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज़ जो हैं वो अभी आउट होने वाली है। तो इस मंथ में कभी भी हमारी वैकेंसीज़ आउट हो जाएंगी और फिर जल्दी से एग्ज़ाम भी हो सकता है। जैसे DSSB का एग्ज़ाम हुआ था, गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, एक महीने में भी एग्ज़ाम हो सकता है, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली होता क्या है, कितने मार्क्स का होगा, कहाँ से हम तैयारी करें, कहाँ से क्या सिलेबस आएगा। तो सबसे पहले तो क्या होता है, एक हमारा HTET का एग्ज़ाम होता है। तो जो HTET का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जिसका ये क्लियर हो जाता है, उसके बाद उनका क्या होता है, स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम। स्क्रीनिंग क्या होता है कि हमने जॉब के लिए कुछ बच्चों की छटनी करनी है। स्क्रीनिंग होती है छटनी करना। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम उन बच्चों का होगा जिनका HTET क्लियर होता है। ये हर सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ निकलेंगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, सब की वैकेंसीज़ निकलेंगी। PGDT की तो निकलेंगी ही, सारी रिवाइज होंगी वैकेंसीज़। तो जिसका भी HTET क्लियर हो जाता है, उसके बाद वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए। पर जो HTET का लेवल होता है वो बहुत कम होता है, और स्क्रीनिंग का जो बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम आता है, इसमें जो नेट के लेवल का प्रिपरेशन जो है हमें करनी होती है। मतलब जो HTET में हमने प्रिपेयर किया था, अगर सोचो कि 20 दिन 25 दिन पढ़ के और जो इतना लो लेवल था हमारा आ गया था, उससे का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं होता हमारा। तो इसके लिए हमें जैसे ही हम वीडियो देखेंगे तभी से तैयारी शुरू करेंगे, और तभी हमारा 2 मंथ्स में जाके 3 मंथ्स में जाके हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। और आज से ही जब पढ़ना शुरू करेंगे तो भी हमारा टेस्ट क्लियर होगा। तो हमारा टोटल एग्ज़ाम किसका होता है, 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और जो 10 मार्क्स होते हैं वो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे होते हैं। ऐसे अगर लेटेस्ट अपडेट देखें तो जो ये 10 मार्क्स हैं ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, तो ऐसा इंटरव्यू का कोई चांस नहीं है। इस बार हमारा जो एग्ज़ाम होगा सिर्फ 90 मार्क्स का होगा, और उसी के बेसिस पे हमारी जॉब डिसाइड होगी। तो हमें बेसिकली क्या करना है, 90 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। अब इस 90 मार्क्स में से जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जो मेन हमारा सब्जेक्ट होगा, वो कितने मार्क्स का होता है, वो 30 मार्क्स का होता है। सब्जेक्ट हमारा 30 मार्क्स का होगा, वो कोई भी हो सकता है, आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कोई भी हो सकता है, कंप्यूटर्स। और जो हमारी हरियाणा GK है, सबको पता है कि हरियाणा के एग्ज़ाम्स में हरियाणा GK बहुत ज़्यादा आती है, वो आती है 18 to 20 मार्क्स की। मतलब 25% की वेटेज होती है, तो हमारा 100 मार्क्स का तो है नहीं जो 25 मार्क्स का हो जाएगा। तो 90 मार्क्स में से 25% हमारा कितना बनता है, 18 या 20 मार्क्स का बनता है। तो ये दोनों जो होते हैं हमारे मेजर पोर्शन होते हैं एग्ज़ाम्स के। फिर हमारा उसके बाद हमारा और कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, और हमारा आता है हिंदी, इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश जो है वो अगर 9th और 10th क्लास की हम बुक से ग्रामर कर लें तो हमारा हो जाता है। इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है इंग्लिश और हिंदी का। एक हमारा आता है रीजनिंग, मैथ्स, फिर और हमारा आएगा जनरल स्टडीज़। मतलब इसमें सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस भी आ जाता है, सब आ जाता है। तो जनरल स्टडीज़ हो जाएगा हमारा, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, और एक बच गया हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी बहुत बेसिक सा लेवल आता है। जनरल स्टडीज़ की जो है हम कोई लूसेंट की या अरिहंत की जो बुक होती है, अगर उससे रीड कर लें तो वो सफिशेंट हो जाती है। हिंदी के लिए 9th 10th की कर लें। रीजनिंग बहुत बेसिक सा होता है, हम कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए NCERT की बुक से करें तो भी मैथ्स के लिए हो जाता है हमारा। 10th तक की बुक से करें तो हमारा हो जाएगा। तो मेन इसमें क्या आता है, हमारा मेन हमारा आता है एक तो सब्जेक्ट रिलेटेड। जैसे हम कंप्यूटर के लिए करेंगे तो हमारा कंप्यूटर साइंस जो है उसमें सब कुछ आएगा। कंप्यूटर साइंस में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा, बाइनरी भी आएगा, और जावास्क्रिप्ट भी आएगा, HTML भी आएगा। मतलब जो UGC नेट का सिलेबस होता है, अगर हम वो प्रिपेयर करके जाएं सारा, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा सारा कवर अप हो जाता है।
तो अभी हमारा आगे का प्लान्स क्या रहेंगे, आगे के प्लान्स रहेंगे, हम हरियाणा जीके को अच्छे से कवर करेंगे और हमारा जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है हम वो अच्छे से कवर करेंगे। मतलब 50 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 90 हम जो है वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल यही था कि बस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम्स के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब से हम डेली कोई एक टॉपिक जीके का या कंप्यूटर साइंस का उठा के स्टार्ट करेंगे, आज ही से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो ही हमारा एग्ज़ाम्स के टाइम तक जो है क्लियर होगा। और कभी भी हमारी नोटिफिकेशन आ सकती है, वैकेंसीज री आउट हो सकती हैं, तो सब बी रेडी फॉर दैट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ओनली, बिकॉज़ ये जॉब के लिए एग्ज़ाम होता है तो ये कोई ईजी एग्ज़ाम नहीं होता। तो हम आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू एवरी वन एंड ऑल द बेस्ट।